हाय दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शकुंतलम UPSC में। मैं आज आपके सामने 26 मई के बारे में बताने जा रहा हूं कि आज जो दुर्घटनाएं हुई हैं, आज जो क्या महत्वपूर्ण रहा है आज के दिन में, वो आज मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलो चलते हैं बिना रुके। 1998 में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 50,016 ब्रिटिश सिपाहियों को बंदी बनाया था, जिसमें से 12,433 की मौत हो गई थी या उन्हें कैदी के अनुसार मारा गया था। सन 2002, 26 मई, चीनी का विमान समुद्र में गिरा, उसमें 225 लोगों की मौत हुई थी। आगे 2007, भारत और जर्मनी के बीच रक्षा समझौता का संपन्न हुआ था। 1739 में एक समय अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने ईरान के नादिर शाह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह भारतीय साम्राज्य से अलग हो गया। 1969, अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे थे। 1999 में इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ठहराया था। उसी दिन 1999 में हो रहे एक मैच में गौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 318 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 26 मई को जो जन्मे थे उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। 1912 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक जगन्नाथ चौपासनी वाला का जन्म हुआ था। 1940 बीजेपी के नेता सरताज सिंह का जन्म हुआ था। 1983 बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील का जन्म इसी दिन हुआ था। 1937 दक्षिणी भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मनोरम तमिल अभिनेत्री का जन्म हुआ था। 26 मई को हुए निधन, उनके बारे में नीचे दिए गए हैं। 2017, 26 मई 2017 को KPS गिल का निधन हुआ था, जो पंजाब के पुलिस DSP रहे थे दो बार। सन 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं गीतकार एवं समीक्षक एवं राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ था। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड करें और डेट बाय डेट रोजाना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहुंच सके। जब तक के लिए जय हिंद।